अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बीकॉम पार्ट वन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन बी होता है बीकॉम पार्ट वन में, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें जो बात होती है इकोनॉमिक्स के हवाले से वो कंट्री लेवल पर होती है। तमाम वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द होल कंट्री होती हैं, पूरे मुल्क की हम इसके अंदर एक साथ बात करते हैं। ठीक है जी, इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये था कि वी स्टडी इंडिविजुअल्स, हम एक एक बंदे की अलग अलग बात करते हैं उसके अंदर ना। वी स्टडी इंडिविजुअल, हम एक एक बंदे की उसमें अलग अलग बात कर रहे थे कि भाई अगर हम इनकम की बात करते हैं तो एक बंदे की बात कर रहे थे, कंजम्पशन की बात कर रहे थे तो एक बंदे की बात कर रहे थे। एक बंदे की हमने बात की थी कि वो प्राइस बढ़ रही है तो वो क्या कर रहा है, प्राइस बढ़ रही है उसकी डिमांड कम हो रही है। तो जो भी बातें उसके अंदर थी वो इंडिविजुअल बेसिस पर थी, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब जो हमारी बात हो रही है वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द होल कंट्री, पूरे मुल्क की हम आमदनी के बारे में बात करेंगे, पूरे मुल्क की हम एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, अब देखें पूरे मुल्क की आमदनी का हमने क्या ठेका लिया हुआ है। सो व्हाट इज द रीजन कि हम पूरे मुल्क की आमदनी को डिस्कस करने जा रहे हैं? तो देखें, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन। रीजन क्या होता है कि भाई हमारे मुल्क की अगर हमें आमदनी का अंदाजा होगा, अगर हमें हमारे मुल्क की आमदनी का अंदाजा होगा तो ये चीज हमें हेल्प करेगी। ठीक है जी, ये चीज हमें हेल्प करेगी इन द सेंस के हम अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि हमारा किसी भी हमारे मुल्क का लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स क्या है, लेवल ऑफ इनकम क्या है, किस चीज में हमें इनकम हो रही है, ये भी हमें पता चलेगा। तो एक हमें रूट मैप मिल जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए कि हमारे मुल्क में अगर आमदनी ज्यादा है तो वो किस सेक्टर में हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो हम जिस सेक्टर में ज्यादा पैसे कमा रहे हों तो उसी सेक्टर में हम डेवलप होकर आगे जाकर हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर हम पूरे मुल्क की बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान कमा रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान इस वक्त कमा रहा है, अल्लाह भला करे, टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर तो है ही हमारा, इसके अलावा अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी अर्निंग ज़्यादा है। अब क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर इसमें जो हम इतनी ज़्यादा अर्निंग है हमारी, तो इसको हमें फर्दर क्या ज़रूरत है कि हमें डेवलप करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। ठीक है ना। अच्छा, तो पहला सवाल हम लिखते हैं, पहला सवाल है जी, अल्लाह भला करे, डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन एसेंशियल्स एंड एक्सप्लेन different concepts of ठीक है जी। तो बात यह है कि define national income and explain different concepts of national income, ये हमारा सवाल है। ठीक है जी, सबसे पहले heading डालते हैं national income, national income, नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखेंगे। मैं खुद लिखवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन है जी, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
बट ठीक है अच्छा जी, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन देयर फाइनल फॉर्म, प्रोड्यूस एंड मार्केटेड इन देयर देयर फाइनल फॉर्म इन वन ईयर. ठीक है जी, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन देयर फाइनल फॉर्म इन वन ईयर. ठीक है जी, एफ ओ आर एम, फाइनल फॉर्म इन वन ईयर. तो ये हो गई जी नेशनल इनकम की डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि भाई पूरे नेशनल इनकम क्या होती है जी, मनी वैल्यू होती है, यानी कि जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया है जब उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसकी मार्केट वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं बेसिकली नेशनल इनकम. किसको? मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो वर्क इन प्रोसेस में वो तमाम चीजें नहीं, जो बिल्कुल रेडी टू यूज हो गई हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है जी, वो इसमें शामिल हो जाएगी. सही है जी. अच्छा, तो ये तो हो गई जी बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं. एग्जांपल की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, शिफ्ट एंड ओके. नाउ एग्जाम्पल, टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ पाकिस्तान प्लस टोटल वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल गुड्स ऑफ पाकिस्तान प्लस प्लस टोटल टोटल वैल्यू प्लस टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज. ठीक है जी, अब यानी कि भाई देखेंगे तो इंडस्ट्री से कमाते हैं या सर्विसेज से कमाते हैं या एग्रीकल्चर का हमारा पैसा होता है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम की एक भरपूर रकम जो है वो आ जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अब हेडिंग आएगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. हमारा रिवायती जुमला लिखेंगे, फॉलोइंग आर द different concepts of national income. Following are the different concepts of national income. ठीक है जी, number one. नंबर वन हम लिखेंगे
नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हेडिंग डाल दी। देखें अब देखें इसमें दो हेडिंग्स आ रही है ना, एक मेन हेडिंग है जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम है, एक सब हेडिंग है जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अब आपने क्या करना होता है, मेन हेडिंग का तरीका यह है, मेन हेडिंग जो होगी वो एक अलग उससे डालेंगे आप, और सब हेडिंग जो है वो एक अलग इंक से, यानी कि ब्लू अगर एक के लिए मेन हेडिंग के तमाम के लिए ब्लैक तो सारी सब हेडिंग के लिए ब्लू, ठीक है ना। एंड ऑल्टरनेट भी आप इसमें कर सकते हैं, तमाम सब हेडिंग सेम कलर से होनी चाहिए और तमाम मेन हेडिंग भी सेम कलर से होनी चाहिए। खैर तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज मनी वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन देयर फाइनल फॉर्म इन 1 ईयर गिवन दैट द पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑल द रेजिडेंट्स are included whether they are living in Pakistan or abroad. Whether they are living in Pakistan or abroad. बहुत अहम सवाल मैं करा रहा हूँ बेटा, ठीक है जी। जो भी लोग इस वक्त ऑनलाइन है बहुत तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है। अच्छा ये जैनब कौन है हमारी बेटा, ये जैनब आप जरा अपना तारुफ करवाइएगा, क्योंकि मेरे जहन में तो कोई जैनब नामी स्टूडेंट ही नहीं आ रही। जैनब के नाम से स्टूडेंट देखिए अभी। अरीब बिलाल ईशा हम्माद हमजा इकरा इस्माइल माजे मोहसिन ओवैस मुनाफ नबीहा नाइश रिजा शुएब ताबिश ताहा ताबिश तला शुएब, दो नाम से शुएब आ रहा है बेटा। आप दोनों अपना तारुफ कराएं, दो शुएब कैसे हो गए हमारे पास, ठीक है चले बात को आगे बढ़ाते हैं।
वेटिंग रूम ऑन कर दिया मैंने, अब कोई जाएगा तो उसको परमिशन लेकर आना होगा। ठीक है, ओके ओके शेप। अच्छा जी, ग्रॉस एंड प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन देयर फाइनल फॉर्म इन वन ईयर, गिवन दैट द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन आर द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द रेजिडेंट्स आर इंक्लूडेड वेदर दे आर लिविंग इन पाकिस्तान और अब्रॉड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें, इसके अंदर वो पैसा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अंदर वो पैसा शामिल होता है जो कि प्रोड्यूस किया गया हो बाय पाकिस्तानी पीपल, जो कि प्रोड्यूस किया गया हो बाय पाकिस्तानी पीपल, वेदर दे आर लिविंग इन पाकिस्तान और दे आर लिविंग अब्रॉड। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो कौमी आमदनी में पैसा शामिल किया जाता है, वो पैसा भी इस कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है जो अमेरिका में रहते हुए लोगों ने कमाया, इंडिया में या यूरोप, यूरोप में, सऊदी अरब में, किसी भी मुल्क में रहते हुए अगर वो पैसा कमाया गया है तो वो पैसा इसमें शामिल होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो एक बात हो गई। अच्छा, इसी तरह इसमें एक पैसा शामिल नहीं भी होता है। मेरे भाई देखें, जब दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी रह रहे हैं तो इसी तरह पाकिस्तान में भी तो मतलब रह रहे हैं ना गैर मुल्की, तो जब हम अपने मुल्क के अलावा उन मुल्कों में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी आमदनी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल कर रहे हैं, इसी तरह हम, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आमदनी शामिल करने के लिए सबसे अहम जो इसमें शर्त आयद की गई है, वो शर्त ये है कि बंदे का रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी होना जरूरी है, पाकिस्तानी नेशनल होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, तो उसका कमाया हुआ पैसा इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है जी भाई। पाकिस्तान में आपको बताऊं कि मैं गया ना साइट एरिया, तो साइट एरिया में मैं गया और मैं वहां पर जॉब करता हूँ, आपको पता है जॉब कर रहा था, तो वहां पर मैं HBL थोड़ा अंदर गया, मैं HBL में, तो मैंने देखा कि मुझे लग रहा है ये HBL में पाकिस्तान में नहीं आ गया, बल्कि मैं HBL ना चाइना में आ गया। ठीक है जी, क्यों? अरे भैया वहां तो दूसरा बंदा, बल्कि मेजोरिटी वहां पर चाइनीज थे, तो साइट एरिया में हमारे जो बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो चाइनीज कर रहे हैं, फिशरी में जो बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं चाइनीज कर रहे हैं, तो गोया इनका कब्जा है भाई, अच्छा खासा कब्जा है। तो यहाँ से बात क्या निकल के आती है कि भाई जिस तरह यहाँ पर इन लोगों का कब्जा, आप सऊदी अरब चले जाए, सऊदी अरब में आपको ज्यादा लोग कौन नजर आएंगे? सऊदी अरब में आपको ज्यादा लोग नजर आएंगे हमारे वाले। ठीक है जी, पाकिस्तानी, बंगाली, पूरा आधे सऊदी अरब पर तो कब्जा है भाई। सऊदी की अपनी आबादी 3 करोड़ है और वहां बाहर के लोग भी 3.5 करोड़ है, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स की एक भरमार है वहां पर। ठीक है जी, जो वहां के अपने रेजिडेंट्स नहीं, और उन्होंने तो ये किया है कि अपने लोगों को इतना ज्यादा उन्होंने रिलैक्स कर दिया, अपने लोगों को इतना ज्यादा रिलैक्स कर दिया उन्होंने कि जिसको इंतहा नहीं है। ठीक है जी, और बहुत गलत कर दिया उन्होंने, इतना भी अपने लोगों को रिलैक्स नहीं करना चाहिए ना। देखे ना क्या हुआ, हुआ ये कि वो उनको आदत पड़ गई काम ना करने की, यही वजह है कि आज कोई भी इंडस्ट्री वहां पर नहीं। ठीक है जी, तो खैर भाई हर मुल्क में एक दूसरे के बाशिंदे होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, तो वो पैसा इसमें शामिल नहीं किया जाता जो के वहां के लोगों ने नहीं, किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने कमाया। जो भी फॉरनर्स पाकिस्तान में रह रहे हैं, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट की जाएगी तो वो पैसा शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, एक बार बता रहा हूँ आखिरी बार कि जब भी हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो वो पैसा शामिल नहीं किया जाएगा
जो यहाँ पर रहते हुए नॉन रेजिडेंट्स या फॉरेनर्स ने जो यहाँ से कमाया, जो अफ्रीकी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो सोमाली यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो चाइनीज़ यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो इसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं। आई होप यू आर रेडी। सिमिलरली इसमें हम लिख रहे हैं, अभी सिमिलरली के बाद मैं लिखता हूँ, थोड़ा हैंग हो गया। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ इनकम of foreigners will not be included in gross national product. एक चीज और ऐड करनी होगी, इसमें भी लिखेगा नहीं प्रोडक्ट। ठीक है जी, the amount of income of foreigners will not be included working in Pakistan. लिखा है इसमें working in Pakistan. Similarly, the amount of income of foreigners working in Pakistan will not be included in gross national product. ठीक है जी, ये भी लिखेंगे आप। इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड, द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मिनरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मिसलेनियस सर्विसेज। टोटल मिसलेनियस सर्विसेज, ये चार चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। प्लीज जल्दी से लिख लें और लिखकर डन का चैट में रिप्लाई करें, तो देन वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, अभी मैं चाहूंगा कि आपको जो अभी इतनी देर से मैंने समझाया कि ये क्या होता है, तो आपकी बारी है। अब आपने थोड़ा सा मुझे समझाना होगा। ठीक है, आपको अब समझाना होगा मुझे। नाउ योर टर्न। मैं रैंडमली आप में से किसी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, एंड यू विल हैव टू स्पीक अबाउट इट। रिजा, महाजेब, माहीन, बिलाल, अरीब, ईशा, ताबिश। ठीक है ना, आप लोग रेडी रहिए, मैं वॉलंटरली एक एक से मैं बात करता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, अल्लाह भला करे, रिजा से बात शुरू करते हैं ना। रिजा आप तैयार हैं? रिजा को मैं अनम्यूट करता हूँ। जी रिजा, मैंने आपको माइक खोला, आप भी खोलें और बताएं जरा जीएनपी क्या समझ में आया। जी रिजा, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ भाई। अच्छा, रिजा के अलावा मैं अनम्यूट करता हूँ बिलाल। बिलाल आप भी अपना माइक खोल सकते हैं। इसके अलावा महाजेब, माहीन जी, कोई माइक खोलो यार अपना। मेरी तरफ से यहाँ हो गया, आप अनम्यूट का ऑप्शन आप दबाएंगे तो खुल जाएगा आपका माइक में। किसी ने भी माइक नहीं खोला अभी तक, क्या चाह रहे हो?
अच्छा यहाँ पे चैट में आया, किसी ने कुछ लिखा है। अच्छा मेरा कौन सा, आपने तैयार होने की आदत है, मेकअप वेकअप कर लें चलें आप पहले भेजा। अच्छा और कौन है, कौन बताना चाहेगा वो रीजेंट? महजिब आप, माहीन आप, बिलाल, अरीब, कोई तो बताओ यार जो बताना चाहे रेजेंट कर सकता है। शो फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आई थिंक मैंने पूरा स्क्रीन तो शो किया हुआ, अभी तो पूरी हेडिंग आ रही है ना। अच्छा जी, तो भाई ग्रॉस ऑप्शन प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, देखें इट्स वेरी सिंपल, यू मस्ट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट इन द क्लास। क्या भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नंबर वन, ये तमाम उन लोगों की आमदनी होती है जो पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है जी। अब भले से वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, ये बात दिस इज लीस्ट कंसर्न अबाउट इट, कि भाई पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनकी भी आमदनी इसमें शामिल है, जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे उनकी भी आमदनी इसमें शामिल होती है, ठीक है जी। तो तमाम किस्म की आमदनी इसमें शामिल होती है। अच्छा जी आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग विल बी नंबर टू, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एनएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और कोशिश करूंगा बहुत कम अल्फाजों में आपको बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप? माहीन कहाँ गई? कहाँ गई माहीन बेटा, आपका माइक बंद हो गया, आप दोबारा खोल सकती हैं, मैंने कर दिया क्लिक। अच्छा जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही है कि उसमें जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट की बात हो रही है और आप आमदनी की बात करें, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? बेटा, प्रोडक्ट जो होता है ना, देखें हर हर चीज आमदनी जो है ना वो प्रोडक्ट ही होती है बेसिकली। देखें आमदनी का जरिया जो है ना वो पकड़ना होता है, जैसे मैं हूँ, मेरी प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज इज माय प्रोडक्ट। तो देखें इसमें ये जो मिसलिनियस सर्विसेज में आ गया, टीचिंग, लॉयरशिप, डॉक्टर्स वगैरह, वो इसमें आ गया। तो देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ना, देखें पहली लाइन, देखें ना पहली लाइन के अंदर ये लफ्ज देख रहे हैं आप, मनी वैल्यू, यानी मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज जो है उसकी मनी वैल्यू जो है ना उसको हम शामिल करते हैं, कितना प्रोड्यूस किया गया एग्रीकल्चर में, मिनरल में, इंडस्ट्री में और सर्विसेज में, उनको शामिल करेंगे। और कौन? पाकिस्तानी, उसके लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। और एक बात और भी आपसे करना चाहूंगा कि आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपका एडमिशन हो गया फाइनली, उस पर मिठाई बनती है हमारी, सही है ना? तो बहुत ही सही टाइम पे आपका एडमिशन हो गया,
नहीं तो ये न्यूज ब्रेक हुई अगले हफ्ते में, जो वो वाली हुई है ना डिग्री वाली जो कहानी हुई है, और अगर ये एक हफ्ता 10 दिन होता फिर तो अब तो बिल्कुल ही बिल्कुल जैम पैक, अब कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी, आखिरी एडमिशन मैं समझता हूँ कराची में माहीन का हुआ है पूरे, क्योंकि खैर चले आगे बढ़ते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज द नेशनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ ईयर वी कंज्यूम और यूज अप सम कैपिटल आई ई इक्विपमेंट्स मशीन्स बिल्डिंग्स इटीसी। द कैपिटल गुड्स वेयर आउट और फॉल इन वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कंजम्पशन और यूज अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी, नहीं, डिग्री कोई बुरी खबर नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप लोगों को डिग्री मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, लिख लें आप, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। हाँ, 2021 से एडमिशन ही नहीं होंगे, ये भी है। ठीक है जी, खैर तो क्या होता है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज द नेशनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एयर वी कंज्यूम और यूज अप सम कैपिटल। अब होता है क्या है कि देखें, जब हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसमें मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो जब हम मशीन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अच्छा, जैसे ये खत्म होगा ना 5 मिनट बाद, आप दोबारा ऐसी आईडी पासवर्ड से लॉग इन करेंगे तो दोबारा आपकी क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि टाइम एंड होगा अभी इसका, और फिर यू विल हैव टू कम अगेन। ओके, मैं बहुत ही कम अल्फाज में अगर आपको ये एक्सप्लेन करूं तो द सिंपल इज दैट जीएनपी में से, जो अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने आपको समझाया है, अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो वो बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल इट कैन बी रिटन एज फॉलोज, आई होप कि यहाँ तक आपने लिख लिया, साथ साथ लिखना भी है ना आपने, पता है ना आप लोगों को। तो एक जुमला मैं अलग से लिख देता हूँ, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज फॉलोज, इट कैन बी रिटन एज फॉलोज, जीएनपी एनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस GNP माइनस NNP इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अब समझ में आ गया होगा। GNP में से सिंपली GNP में सब चीजें शामिल होती है, उसमें मशीनरी वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है, चीजें इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन इक्विपमेंट्स की जो वैल्यू गिर जाती है उसको अगर जीएनपी में से माइनस कर दिया जाए तो नेट नेशनल इनकम बन जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि देखें, कोई भी चीज़ जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसमें फर्नीचर इस्तेमाल होता है, अब फर्नीचर जो है वो उसकी हर साल वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही होती है, आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता है अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है जी, यहीं पर अपनी बात को रोकते हैं, तो अगली मीटिंग के लिए इसी आईडी पासवर्ड से आपने लॉग इन होना अगेन। ठीक है जी।